चेतावनी जनहित में जारी। इस वीडियो में दिखाया जाने वाला हास्य जीके ट्रिक जानलेवा हो सकता है, कृपया अपने पेट को अच्छे से बांध लें। हंसते हंसते लोटपोट होने से आने वाले चोट के लिए अथवा पेट फूल जाने के लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। हमारी जिम्मेदारी आपके दिमाग में जीके फिट करना है। आपकी चलचित्र यात्रा शुभ हो। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्टडी कॉर्नर में। आज मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है फसलों फूलों सब्जियों के रोग। यह इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में लगभग पूछते रहता है कि ये फसल में कौन सा रोग है या फिर रोग किस फसल से संबंधित है। इस तरह से यहाँ पर देख भी सकते हैं, लाल सरांध रोग, टिक्का रोग, वंचित टॉप रोग, सब देख सकते हैं, फ्लास्ट रोग, नीचे और भी है, ये सभी लगभग 15+ है सब। मैं आपसे आग्रह यही करूंगा कि आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, ताकि मैं आपको 100% आपके दिमाग में फिट कर सकूं, ताकि आप एग्ज़ाम में ऑप्शन देखते ही टिक कर सकें। तो देर ना करें, अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे खैरा रोग। खैरा रोग संबंधित है धान से। धान को अगर देखा जाए तो ये लग रहा है कि धन है। धन कौन सा धन? ऐसा समझिए कि काला धन। और जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ है और GST लागू हुआ है, तब से कह सकते हैं कि अब काला धन रखने वालों का खैर नहीं, क्योंकि GST से टैक्स लोग कोई चोरी नहीं कर पाएगा तो काला धन बनेगा नहीं। और डिमोनेटाइजेशन हुआ है ना, कि पहले से जो धन छुपा कर रखे थे सब बेकार हो गया उनका, तो ये हो गया उनका खैर नहीं अगर वो काला धन रखे हुए हैं तो। खैर फोर खैरा रोग, धन फोर ये हो गया धान हो गया। रस्ट रोग है। रस्ट रोग संबंधित है गेहूँ फसल से। गेहूँ और रस्ट में हमें कुछ ढूंढना है, जैसे कि पढ़ते ही में याद आ जाए। तो रस्ट को आप कर दीजिए रास्ता। और जब भी आप किसी को कॉल करते हैं और आप रास्ते में हो, तो अगर सामने वाला पूछे कि आप कहाँ हैं, तो आप कहते हैं मैं रास्ते में हूँ। तो यहाँ पे तो गेहूँ लिखा हुआ है, तो चलिए इसको मेहू बनाते हैं। मेहू बनाने के लिए सिर्फ ये जो मेरे पास जो लाइन है, मैं इसको सिर्फ गेहूँ के पास लेता हूँ। तो अब देखिए क्या बन गया ये मेहू। तो कहते हैं कि मैं रास्ते में हूँ, मेहू का गेहूँ इसे हो जा रही है। तो मुझे लगता है कि बिना किसी दिक्कत के ये हमेशा याद रहेगा। अब आगे देखते हैं, तब है हमारे सामने वंचित टॉप रोग, जो कि केला से संबंधित है। तो यहाँ पे वंचित से और यहाँ पे केला से, दोनों से आपको कुछ ना कुछ दिख जाएगा। तो यहाँ पे वंचित होना, अपनों से वंचित होना, केला यानी कि अकेला होना, और ये होता ही है, बिल्कुल मन नहीं लगता है चाहे कितना भी भीड़ हो आसपास। अपने मतलब क्या, अपने फ्रेंड हो, अपने परिवार हो, ऐसा कुछ। तो वंचित होना, अपनों से वंचित होना, और केला फोर अकेला। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे सामने है मार्स रोग। मार्स रोग संबंधित है मटर से। मटर में एक सिंपल सा चेंजिंग किया जाए, रॉक वाट अगर मैं इसे न कर दूं तो ये हो जाएगा मटन। और मटन का मतलब होता है बकरे का मांस। तो यानी कि बकरा तो ठीक है, यहाँ पे मांस लगा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे रिलेटेड हो गया, मांस और मटन, ठीक है, तो बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट अब है लाल सरांध रोग, या फिर इसे रेड रॉट भी कहते हैं, दोनों अलग पॉइंट हो गया है। यहाँ पे लाल सरांध रोग, लाल सरांध रोग या फिर रेड रॉट, दोनों संबंधित है गन्ना से। याद रखना आसान इसलिए क्योंकि यहाँ पे गन्ना मतलब गन, GUN, जब गन से बुलेट निकलती है तो समझ सकते हैं जब बॉडी में लगती है तो वहाँ से क्या निकलेगा, लाल रंग निकलेगा, लाल रंग यानी कि खून निकलेगा। तो ये बिल्कुल मैच कर जा रहा है और रिलेटेड हो जा रहा है, तो याद रहेगा हमेशा के लिए। तो नेक्स्ट है टिक्का रोग। टिक्का रोग संबंधित है मूंगफली से। ये याद रखने के लिए मैं एक इमेज दिखाऊंगा। इमेज देखते ही आप समझेंगे कि क्या ट्रिक है। देखिए ट्रिक यही है, ये है मंग टिक्का। मंग फोर मूंगफली और टिक्का यानी कि टिक्का रोग। तो बिल्कुल मंग टिक्का देख के याद आएगा। तो इमेज याद रखिएगा, इसको मैं हटाता हूँ। ओके, यहाँ पे अब है ब्लास्ट रोग, जिसे झोंका रोग भी कहते हैं, और ये संबंधित है धान फसल से। याद रखने के लिए मुझे जो यहाँ पे वर्ड दिख रहा है ब्लास्ट, ब्लास्ट पढ़ते ही मुझे बॉम्ब ब्लास्ट, आतंकी, पाकिस्तान, ये सब कुछ याद आने लगता है दिमाग में। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है आतंकियों को पनाह दिए हुए है, और पनाह देने का मकसद क्या है कि उनको धन देना, उनको धन दे रहा है उनके थैले में, यानी कि पाकिस्तान जो है आतंकियों में धन झोंक रहा है, और वो जो आतंकी हैं इन धन का जो दुरुपयोग कर रहे हैं वो बॉम्ब ब्लास्ट जैसी घटनाओं को अंजाम देकर कर रहे हैं।
तो यहाँ से बम ब्लास्ट करने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। और यहाँ से याद रख सकते हैं, बिल्कुल, ब्लास्ट रोग धान। नेक्स्ट है हरित वाली रोग, जो कि संबंधित है बाजरा से। यहाँ से मुझे दिख रहा है हरी वाली सब्जी हम लोग कहाँ से खरीदते हैं? बाजार से। तो ये हो गया बिल्कुल क्लियर, हरी वाली सब्जी कहाँ से? बाजार से। बाजार फॉर बाजरा, हरी वाली फॉर हरित वाली रोग। अग्नि निर्जा रोग, जो कि संबंधित है सेब से, एप्पल से। चलिए देखते हैं इसको कैसे याद रख सकते हैं। अग्नि मतलब होता है आग, निर मतलब होता है पानी, और जब भी आग लगता है कहीं तो हम लोग उसे कुछ सामान सेव हो जाए, उसे बचाने के लिए क्या करते हैं? उसमें पानी डालते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर, देखिए अग्नि जब हो तो उसे हम लोग बचाने के लिए क्या करते हैं? नीर डालते हैं, पानी डालते हैं, बचाने फॉर सेव करने के लिए, SAVE, सेव करने के लिए। आग लगा, नीर डाले और वो सेव हो गया, सेव। नेक्स्ट है ब्लैक हार्ट रोग। ब्लैक हार्ट रोग जो है वो आलू से संबंधित है। ये आसान इसलिए क्योंकि आलू जब सड़ता है, यानी कि खराब जब हो जाता है आलू, तो आप खुद देखे होंगे कि वो काला हो जाता है, काला होकर के सड़ जाता है, इसलिए ब्लैक वर्ड इसी से रिलेटेड है, ब्लैक हार्ट रोग आलू से। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब है डाईबैक रोग, जो कि नींबू यानी कि लेमन से संबंधित है। यहाँ पे देखिए डाईबैक को ध्यान से पढ़े तो लग रहा है कि मन हमारा, यहाँ देखिए लेमन में मन है, मन हमारा क्या होता है? बहुत ही चंचल होता है, जब मन करते तो दाई मुड़ जाता है, जब मन करे बाई मुड़ जाता है, जब मन करे तो बैक मुड़ जाता है, डाई बैक। ये कह रहा है कि ले मन किया तो दाई मुड़ गए, ले मन किया तो बैक पीछे मुड़ गए। दाई और बैक अगर मुड़ना हो तो हमारे मन करे तो भी मुड़ते हैं, तो लेमन नींबू। नेक्स्ट है निक्रोसिस रोग। निक्रोसिस रोग जो है वो आंवला से संबंधित है। निक्रोसिस में यहाँ पे देखिए निक्रोसिस मतलब नहीं, ये कोशिश मतलब ट्राई करना, कोशिश अगर नहीं किया जाए, मतलब कि नहीं कोशिश करने वाला बिल्कुल सफल नहीं होता, क्योंकि सीख नहीं पाता कुछ भी, तो कोशिश जरूर करना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में हम कुछ भी करते हैं, कोशिश जरूर करते हैं। हम ये वीडियो ही बना रहे हैं तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको याद करा दें। तो नहीं कोशिश करने वाला कभी सक्सेस नहीं होता है, कुछ सीख नहीं पाता है। वाला फॉर आंवला, वाला आंवला, और नी कोशिश नई कोशिश करने वाला आंवला। खैर ये सेंटेंस में था। आगे है कोटर स्पॉट, जो कि गाजर है। चलिए गाजर की बात करें, गाजर आपके अगर आपके हाथ में दे दे तो क्या होगा? सोचिए क्या होगा, अगर आपके हाथ में दे देंगे तो आप ऑन द स्पॉट उसे कटर कटर के खा जाएंगे, क्योंकि इतना टेस्टी होता है वो। तो गाजर जो कि मीठा होता है, फल है, तो जब आपके हाथ में मिलेगा तो आप ऑन द स्पॉट कटर के खा जाएंगे दांतों तले। नेक्स्ट अब है व्हाइट बर्ड। व्हाइट बर्ड का है मक्का। व्हाइट से मैं आपको याद दिला दूं कि अंग्रेजों को हम लोग अंग्रेज भी कहते थे, फिरंगी कहते थे, और व्हाइट यानी गोरे लोग भी कहते हैं, गोरे लोग कहते थे, गोरे लोग यानी कि अंग्रेज लोग। तो अंग्रेज लोगों को हमने अपने भारत से मुक्का मार करके बाहर निकाला, तो मुक्का मार के मक्का हो गया, व्हाइट लोगों को मुक्का मारा, इसलिए मक्का याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब है हर रॉट। हर रॉट जो है वो है चुकंदर से संबंधित है, चुकंदर से, इसे याद रखना है। तो चुकंदर से मुझे क्या याद आ रहा है? सिकंदर। सिकंदर जो कि अच्छा आदमी के लिए, मतलब बहादुर इंसान के लिए सिकंदर थोड़ा सा जच रहा है, लेकिन चुकंदर ऐसा लग रहा है कि इसे चोर को बोल रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि हर रात, यहाँ पे रात यानी कि एवरी नाइट, हर रात को कहीं ना कहीं चोरी होता है, चोर अपना घटना को अंजाम देते हैं। तो ये चुकंदर फॉर चोर, और चोर हर रात को कहीं ना कहीं चोरी करते हैं। अब सिर्फ दो रह गए, एक ब्राउनिंग रोग और एक टुंडू रोग। पहले टुंडू रोग देख लेते हैं, क्योंकि ब्राउनिंग रोग का मैंने ट्रिक बनाया नहीं है, तो ये आपके लिए एक जिम्मेदारी, आप कमेंट में इसका जरूर ट्रिक बनाकर बताएंगे। फिर लास्ट देख लेते हैं टुंडू रोग, जो कि गेहूं से संबंधित है। गेहूं का वापस मैं ऊपर अगर दिखा दूं, गेहूं का एक और था ये रस्ट रोग। इसका मैंने बताया था कि मैं रास्ते में हूँ, यहाँ पे गेहूं को मैंने मेहूँ कर दिया था, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी गेहूं को हम लोग मेहूँ करने वाले हैं। तो ज़रा देखिए, मैं सिर्फ एक छोटा सा लाइन है, गौर फरमाइएगा, मैंने यहाँ पे ग में है एडजस्ट कर दिया, तो ये मेहूँ बिल्कुल लग रहा है, मेहूँ है, मेहूँ किस लिए? मेहूँ वट टू डू, मैंने आपको अभी पूछते होंगे किसी से कि क्या करना है मुझे बताओ, मैं हूँ ना, तो ये टू डू, TO और ये DO का DO, टू डू वट टू डू, मैं हूँ ना, ये हो गया मेहूँ गेहूँ। ओके तो चलिए, अब रिवीजन की बारी है, तो रिवीजन कर लिया जाए, यानी कि सारे आंसर मैं हटा दूंगा और खुद से आंसर देना है।
सारे आंसर हट चुके हैं, तो चलिए अब खुद से आंसर यानी कि खुद से चेक किया जाए। आप हो सके तो वीडियो पॉज करके खुद से आंसर दीजिएगा, वापस प्ले करके देख लीजिएगा कि मैंने सारे आंसर दिए हैं, आपसे मैच किया है या नहीं, ताकि चेक भी होता रहे। चलिए, खैरा रोग है। खैरा रोग यानी कि ये समझ सकते हैं यहाँ से कि काला धन रखने वालों का खैर नहीं। धन फोर धान हो गया, मैं रास्ते में हूँ ये गेहूँ में हूँ, वंचित टॉप यानी कि वंचित हो गया, तो बिल्कुल अपनों से वंचित होने के बाद कोई भी अकेला फील करता है, केला हो गया। मांस रोग मांस, और ऑप्शन में दिखेगा आपको मटन फॉर मटर, मटर मतलब होता है बकरे का मांस, मांस हो गया। लाल सरन रोग या रेड डॉट एक ही है। लाल रंग यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिखेगा जिससे चलने के बाद लाल रंग निकलेगा बॉडी से, तो है गन, गन का बुलेट निकलेगा बॉडी में जाएगी, बॉडी से लाल रंग निकलेगा, खून निकलेगा, ये हो गया गन्ना। टिक्का रोग, टिक्का मैंने एक पिक्चर दिखाया था जिसमें मंग टिक्का मैंने दिखाया था, मंग फॉर मूंगफली। ब्लास्ट रोग या फिर झोंका रोग जो कि किस फसल से संबंधित है, इसमें मैंने बताया था कि ब्लास्ट फॉर बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट करते हैं आतंकी, और आतंकी ऐसे ही बम ब्लास्ट नहीं करते हैं क्योंकि जब तक उनके पास धन ना हो बम ब्लास्ट नहीं कर पाएंगे, तो धन किसी न किसी के द्वारा उनको मुहैया कराई जाती है। धन फोर यहाँ धान हो गया। हरित वाली रोग यानी कि हरित वाली, हरी वाली सब्जी हम लोग कहाँ से लाते हैं, बाजार से, फॉर बाजरा। अग्नि निर्जा, अग्नि अगर लग जाए कहीं तो हम लोग नीर से उसको क्या करते हैं, बचाते हैं, शेव करते हैं, सेव SAV, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग हिंदी में लिखेंगे सेव, तो हो गया एप्पल, एप्पल के संबंधित है। ब्लैक हेड रोग, ये ब्लैक कलर, अगर ऑप्शन में देखिए कौन सा चीज़ जो है सड़ने के बाद ब्लैक हो जाएगा, तो आलू आपको दिखेगा। डायबैक रोग, हमारा मन बहुत चंचल होता है, कभी कहता है कि ले मन किया तो दाएं मुड़ गए, ले मन किया तो बाएं मुड़ गए, ले मन किया तो बैक मुड़ गए। लेमन में लेमन, यहाँ पे लेमन नींबू से संबंधित है। निक्रोसिस, नई कोशिश करने वाला बिल्कुल कुछ सीख नहीं पाता है, नई कोशिश करने वाला फॉर आंवला एक सेंटेंस के रूप में वाला। कोटर स्पॉट, कटर स्पॉट ऐसा कौन सी चीज़ है जो कि ऑन द स्पॉट यानी मौके पर ही हम लोग कटर के खा जाते हैं, ये आपके समक्ष ऑप्शन में मौजूद है, आपको गाजर दिख जाएगा, गाजर होगा। व्हाइट बर्ड, व्हाइट यानी कि गोरे लोगों को बोलते थे, और गोरे लोगों को हमने क्या किया अपने देश से, उनको मुक्का मार के बाहर निकाला, मुक्का फॉर मक्का संबंधित है। हर रॉट यानी हर रात कहीं ना कहीं चोरी होती है, चोरी फॉर यहाँ पे चुकंदर, क्योंकि सिकंदर अच्छे लोग बहादुर लोग और चुकंदर चोर लोग। ब्राउनिंग रोग, ब्राउनिंग रोग मैंने टेक्निक बताया था, ऐसे ब्राउन कलर का ये फूल वो भी संबंधित है। टूडू रोग, टूडू रोग, और मैंने कहा था कि व्हाट टू डू यार, मैं हूँ ना मैं हूँ फॉर गेहूँ, तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। कैसा लगा दोस्त, आप जरूर बताएंगे कमेंट के में, और लाइक जरूर कर देंगे, हो सके तो अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करेंगे ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।